ऑब्वियसली ये आप सभी को तो पता ही होगा कि ब्रावो फाउंडेशन के जो चेयरमैन है यानी कि सीईओ है राकेश पांडे, उनके तरफ से जो है मोतिहारी में जो भी छात्र या छात्रा है यानी रूम लेकर यानी रेंट पर जो रूम लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, यदि वह रेंट देने में असमर्थ है तो उनके लिए योजना बनाई है उनकी मदद हेतु कि जो भी छात्र छात्रा है वह ऑनलाइन फॉर्म भर दें उनकी वेबसाइट से, या उनके द्वारा एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है। यदि उस ऐप या मोबाइल ऐप से और उस वेबसाइट पर जाकर के यदि फॉर्म भर दिया जाता है तो उनके मकान मालिक के खाते में जो है राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जितना भी हो। ये बातों का जो है जिक्र नहीं किया गया, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट ऊपर देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यह जो है फेसबुक के द्वारा उन्होंने कल ही शाम को कमेंट करके बताया हुआ है कि ये चीज़ें करनी है। सो गाइस चलिए आपको सिखा दें कि किस तरह से जो है इसका फॉर्म भरना है आपको। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र में मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया हुआ है, उस लिंक से क्लिक करके इस वेबसाइट पर चले आना है। आने के बाद में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है इसका इंटरफेस आपको दिखेगा ब्रावो फाउंडेशन की तरफ से। तो सीधे यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। यहाँ पर साफ साफ जिक्र भी किया गया है द ब्रावो फाउंडेशन की तरफ से है। यहाँ पर जो है स्टूडेंट का जो है आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, यानी कि उसकी फ़ोटो जो अपलोड करनी है, या स्कूल आईडी या कॉलेज की जो भी आईडी हो आपकी उसे अपलोड करनी है जिस भी कोचिंग या कॉलेज में आप पढ़ाई करते हैं। ओके, उसके बाद में आपको एक सेल्फी अपलोड करनी है, यानी एक सेल्फी यानी अपनी खुद की फ़ोटो एक अपलोड करनी है। उसके बाद में अपने लोकेशन के आधार से एक अपने फ़ोन नंबर आपको देनी है जो टैगिंग हो गई लोकेशन के आधार पर कि आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं। एसेसेंस रिलेटेड टू विल बी सेंट अकाउंट नंबर ऑफ द लैंडलॉर्ड, कहने का मतलब कि आपको अकाउंट नंबर उन्हीं का देना है जिसके मकान में आप किराए पर रह रहे हैं, यानी अपने किराए मालिक का जो है अकाउंट नंबर देनी है। चलिए इसे फॉर्म किस तरह से फिल करना है आपको बताते हैं। यहाँ पर दो कंडीशंस है, यदि आप चाहे मोबाइल ऐप से करना तो इस पर क्लिक करके आपको एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए, जैसे मैं इस पर क्लिक किया या डिटेल्स में आएंगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, तो इसे स्टॉप करेंगे यहीं से आपको बताते हैं। और यदि आप वेबसाइट के थ्रू करना चाहते हैं क्लिक हियर टू फिल फॉर्म ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में सारा पेज जो है ओपन हो चुका है कुछ इस तरीका से। तो यहाँ पर ऊपर साफ साफ लिखा हुआ भी है कि मोतिहारी में किराए पर रूम लेकर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के रूम किराए में आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र ब्रावो फाउंडेशन की तरफ से। ऊपर जो है पूर्वी चंपारण है, डिफ़ॉल्ट है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया। जैसे ना गृह प्रखंड में आप जहाँ से भी आपका प्रखंड हो उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। पंचायत का नाम आपको यहाँ पर डालना है, उसके गाँव का नाम, अपना नाम डालना है यहाँ पर, उसके अंदर अपने पिता का नाम डालना है, जन्म तिथि डालनी है, यहाँ पर किस कितना हुआ आपका जन्म का साल यहाँ पर डालना है, अपना लिंक यहाँ पर सेंड करना है, अपना आधार संख्या डालनी है, अपना खुद का मोबाइल नंबर, अपना खुद का ईमेल आईडी, और यहाँ पर योग्यता में यानी आप किस चीज़ में पढ़ाई करते हैं, प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी यानी 10th+2, 10th above, ग्रेजुएशन करें या पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। वर्तमान पता में आपको उसी मकान मालिक का आपको पता देनी है जहाँ पर आप किराए में जिसके मकान में रह रहे हैं, यानी कि जहाँ पर आप रह रहे हैं उसका मकान का मालिक का जो है एड्रेस देना है। आप मकान मालिक का नाम फर्स्ट में लिखना है आपको, उनका मोबाइल नंबर देना है मकान मालिक का, पूरा पता देना है आप कहाँ रह रहे हैं। एक और बात यहाँ पर बता दें कि पोस्टल ZIP कोड में आप अपने एरिया का यानी कि मोतिहारी का जो भी कोड है 84-54-01 यहाँ पर एंटर कर देनी है। कंट्री में आप यहाँ से जो है इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जो है इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है। इंडिया सेलेक्ट करना शैक्षणिक जानकारी देना है, यानी कि पढ़ने वाले कोचिंग स्कूल महाविद्यालय का नाम, यानी कि आप यदि कॉलेज में पढ़ना है तो अपने कॉलेज का नाम दे देंगे, यदि आप कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं तो अपने कोचिंग का नाम जो भी हो दे देना है। उसके अंदर पढ़ने वाले कोचिंग का जो है पता एड्रेस यहाँ पर देनी है। उसके बाद में जो है बैंक विवरण में क्या करना है कि मकान मालिक का ही देना है, खाताधारी का नाम यानी आप जिस मकान में रह रहे हैं उसके मालिक का नाम यहाँ पर डालना है, जो भी उसके अकाउंट पर अकाउंट होल्डर नेम हो, उसके मोबाइल नंबर देनी है, उसका अकाउंट नंबर और IFSC कोड देना है। उसके अंदर यहाँ पर फोटो जो है खुद ही अपलोड करनी है, फोटो आधार कार्ड का फोटो अगला भाग यहाँ पर डालनी है, पिछला भाग इस पर आप आकर के अपलोड करनी है, एक सेल्फी अपलोड करनी है। पढ़ने वाले कोचिंग संस्थान की जो है या कॉलेज में पढ़ रहे हो या स्कूल में या किसी कोचिंग में तो उसका ID कार्ड जो होता है यहाँ पर अपलोड करना है। चलिए ये अपलोड कैसे करना है वो आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर फोटो सेल्फी लिखा हुआ तो अपलोड पर क्लिक करोगे, अपलोड पर क्लिक करने के बाद में आपका कैमरा जो है डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, या आप कहीं पर भी अपने फोटो रखे हो सेल्फी उसे यहाँ पर अपलोड कर देनी है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर घोषणा को पढ़ लेनी है, जैसे कि मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए सभी विवरण मेरे जानने के द्वारा अनुसार सत्य है, तो यहाँ पर जो है इसको टिक मार करना है,
एक्सेप्ट करनी है कंडीशंस को, उसे सत्यापित करे पर क्लिक करोगे। चलिए डिटेल्स जो है भर करके मैं सत्यापित करे पर क्लिक करता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसा आपको पेज मिलता है। फॉर्म फिल करने के बाद में कुछ इस तरीका से जो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, इसे आपको डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद इसे सेफ्टली आपको रखना है, जैसे कि जो भी आपने चीज़ भरी वहीं आपको इसमें मिलता है। ओके, तो इस तरह से कुछ जो है आप फॉर्म भर सकते हैं और कुछ आर्थिक स्थिति यानी कि किराए के रुपये जो है आपके मकान मालिक के खाते में ट्रांसफर कर देगा। सो गाइस, इस वीडियो में हमने यही सिखाया आपको कुछ इस तरीका से जो है आप इस फॉर्म को फिल करके अपने किराए की राशि जो है आपके मकान मालिक के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के पास में, ताकि वो भी लोग फॉर्म भर पाए इसको। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की हर एक लेटेस्ट जानकारी आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं इसे मजेदार वीडियो के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में।